नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। यूपी के हाथरस में मची भगदड़ में 120 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं और अभी भी न जाने और कितने घायल हैं जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। भोले बाबा के रुतबे का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन FIR में बाबा का नाम तक नहीं है, सिर्फ सेवादार का नाम है। हाथरस में जो सत्संग कराया जा रहा था वो एक स्वयंभू बाबा नारायण साकार हरि का था, जिसे लोग भोले बाबा के नाम से भी जानते हैं। वो बाबा जिसने कभी सोचा नहीं होगा कि सत्संग के दौरान वो कई लोगों की मौत की वजह बनेंगे। वहीं हाथरस हादसे के बाद लोग पूछ रहे हैं कि कौन है भोले बाबा और कौन है नारायण साकार हरि। भोले बाबा और सूरजपाल की असली कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 100 करोड़ से ज्यादा के आश्रम और जमीन, लग्जरी कारों का काफिला, आलिशान आश्रम और 80 सेवादार, ये शान शौकत है भोले बाबा की। उस पर बाबा का दावा ये है कि वो एक पैसे भी दान नहीं लेता था। इतना ही नहीं, बाबा के वकील तो अब हाथरस हादसे को साजिश भी बताने में लगे हैं। जिस तरह से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत जब नारायण साकार हरि मंच से प्रवचन के बाद चले गए, उसके बाद एक साजिश के तहत षड्यंत्र जो भगदड़ मचाई गई है उसकी जांच हो रही है। अच्छी तरह जांच हो, हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच, SIT जांच, सरकार पर पूरा तरह से धन्यवाद करते हैं कि वो अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं। अंडरवर्ल्ड हाईकोर्ट की निगरानी में, अंडरवर्ल्ड हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जो जांच हो, लेकिन जांच के साथ साथ इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। नारायण साकार हरि के जीवन में लोग कहते हैं पीछे भागे, उनके यहाँ कभी पैर छूने की प्रथा नहीं है, कभी उन्होंने जीवन में पैर नहीं छुलाए। बाबा मैनपुरी के आलिशान आश्रम में रहता है। यहाँ 6 बड़े कमरे उसके और उसकी पत्नी के लिए रिजर्व है। बिना अनुमति के यहाँ कोई नहीं जा सकता। 80 सेवादार तैनात रहते हैं। बाबा का ये आश्रम करीब 21 बीघा में फैला हुआ है। बाबा को नजदीक से जानने वालों ने बताया कि बाबा के पास 100 करोड़ से ज्यादा के आश्रम और जमीन है। सभी आश्रम ट्रस्ट के नाम है। भोले बाबा के काफिले में हर वक्त 25 से 30 लग्जरी कारें रहती है। बाबा खुद फॉर्चूनर से चलते हैं। हाथरस में सत्संग करने भी बाबा 15 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे थे। जब आश्रम से बाबा का काफिला निकलता है तो उनकी गाड़ी के पीछे सैकड़ों सेवादारों की फौज दौड़ती है। ये उनकी सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं। बाबा पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं करते हैं। वो जहां जाते हैं उनके निजी सेवादार और खुद की आर्मी साथ रहती है। बाबा की फौज में शामिल सेवादार गुलाबी रंग की वर्दी पहनते हैं। इस फौज में भर्ती के लिए आवेदन भी करना पड़ता है। बाबा के इस रहस्य लोक में फोन ले जाने की सख्त मनाही है। यहाँ फोटो खींचने की किसी को भी इजाजत नहीं दी गई है। वो न तो फोटो खींच सकते हैं और न ही वीडियो बना सकते हैं। यही नहीं, कोई आश्रम के अंदर से वीडियो कॉल भी नहीं कर सकता है। ये तमाम बातें बाहर दरवाजे पर ही नोटिस बोर्ड पर लिखी हुई है। बाबा के आश्रम को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। कुल 3 तरह की सेना 24 घंटे उनकी सुरक्षा में लगी रहती है और उनके नाम है नारायणी सेना, गरुड़ योद्धा और हरिवाहक। इन सभी सेनाओं को अलग ड्रेस कोड दिया गया है और इनके अपने कोड वर्ड भी होते हैं। नारायणी सेना के कुल 50, हरिवाहक के 25 और गरुड़ योद्धा के 20 जवान बाबा के साथ रहते हैं। भोले बाबा के नाम से मशहूर बाबा का यूपी में मेन ठिकाना मैनपुरी का बिछुआ आश्रम है। यूपी में कहीं भी आश्रम हो, बाबा यहीं से जाते और आते हैं। ये आश्रम करीब 3 साल पहले बना है। बाबा अब तक यहाँ 2 बार आ चुके हैं। अब की बार 10 मई को वो ग्वालियर के आश्रम से यहाँ आए थे। उन्हें अगले 6 महीने तक यहीं रहना था और इस दौरान उन्हें हाथरस के अलावा आगरा में भी बड़े कार्यक्रम करने थे। 21 बीघे में फैले इस आश्रम के मालिक सीधे तौर पर भोले बाबा यानी सूरजपाल नहीं है। ये राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर है। आश्रम के मुख्य गेट पर इसके निर्माण में दान देने वाले 200 लोगों की सूची है। इसमें सबसे ज्यादा 2.5 लाख और सबसे कम 10,000 का दान दिया गया। अगर हम जमीन को भी जोड़ लें तो इस आश्रम की कीमत करीब 4 करोड़ बैठती है। आश्रम से जुड़े भक्त बताते हैं कि आश्रम में करीब 80 लोग सेवादार के रूप में बिना पैसे के काम करते हैं। कुछ लोग गेट पर खड़े होते हैं तो कुछ साफ सफाई और खाना बनाने का काम करते हैं। भोले बाबा के अनुयायियों की माने तो उनके कोई संतान नहीं है। भोले बाबा ने अपनी भतीजी को गोद लिया था।
जिसकी लाइलाज बीमारी से मौत हो गई थी। देश को सदमे में डालने वाली इस घटना में भोले बाबा के नाम से मशहूर आध्यात्मिक नेता नारायण साकार हरि फरार है। नारायण साकार हरि का असली नाम सूरजपाल सिंह है। वो यूपी पुलिस विभाग में भी सेवाएं दे चुके हैं। दरअसल नौकरी के दौरान बलात्कार का मुकदमा लिखे जाने के बाद सूरजपाल को पुलिस विभाग से बर्खास्त किया गया था। वहीं जेल से छूटने के बाद वो अपना नाम और पहचान बदलकर बाबा बन गया। खबर तो ये भी है कि हाथरस हादसे का आरोपी बाबा साकार हरि यौन शोषण समेत 5 गंभीर मुकदमों का भी आरोपी है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि असल में बाबा के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है, उनके हाथ में कोई चक्र नहीं है, लेकिन क्योंकि एजेंट्स ने लोगों के बीच जाकर ऐसा प्रचार किया, बाबा की लोकप्रियता बढ़ती चली गई और देखते ही देखते उनके सत्संगों में लाखों की भीड़ आने लगी। सूरजपाल से साकार हरि बने बाबा के अनुयायियों में VIPs से लेकर कई राजनेताओं का नाम भी शुमार है। आपका क्या कहना है इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।